लोकसभा चुनाव से पहले फिर से ईवीएम का मामला गरमाने लगा है। आज ईवीएम के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उदित राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि धरना जंतर मंतर में तय था, लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। ऐसे में परमिशन नहीं होने के बाद भी प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, मुझे दो हफ्ते पहले ईवीएम हटाओ मोर्चा द्वारा 22 फरवरी को ईवीएम से देश में 2024 लोकसभा चुनाव न कराने के मुद्दे को लेकर जंतर मंतर दिल्ली में शांतिपूर्ण धरना देने का निमंत्रण प्राप्त हुआ था, जो मैंने स्वीकार किया, लेकिन दो दिन पहले शांतिपूर्ण धरने की स्वीकृति भी निरस्त कर दी गई। वहीं उदित राज ने कहा कि ईवीएम के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे रद्द कर दिया। हजारों लोगों को पुलिस ने भगा दिया और सैकड़ों को गिरफ्तार कर लिया है। वैकल्पिक स्थल यूथ कांग्रेस कार्यालय पर हम हजारों जमा हुए, जिनको दिग्विजय सिंह जी, दीपक बाबरिया जी, दीपंकर भट्टाचार्य, महमूद पराचा जी ने आदि ने संबोधित किया। जब हम प्रदर्शन करना चाहे तो गिरफ्तार कर लिया और अब संसद मार्ग पर पुलिस स्टेशन में है। हम तुम्हारे साथ हैं।